वेलकम करता हूँ ब्लैक शार्क गेमिंग की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपने अभी जो गेम प्ले देखा कि कैसे मैं एकदम इजीली जो है वो वन टैप मार पा रहा था, और आप भी इसी तरीके से इजीली वन टैप मार पाओगे। बस वीडियो को जो है वो पूरा वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं थोड़े बहुत स्टेप्स बताऊँगा, उस स्टेप्स को आप फॉलो करके ईजिली वन टैप मेरे जैसे मार पाओगे। और गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस वीडियो में तो इंट्रो ही नहीं है। हाँ गाइज, इंट्रो पे थोड़ा सा मैं काम चल रहा है, क्योंकि अभी लोगो चेंज किया है मैंने, तो इंट्रो भी चेंज करना पड़ेगा। और गाइज चलो बढ़ते हैं स्टेप वन की तरफ। सो सबसे पहले आपको जो एम है एनिमी के नीचे रखना है, और वाइट होना चाहिए एम। और आप जैसे ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो देख सकते हैं बंदे को जो है हेडशॉट पड़ रहा है। और अगर आप बॉडी पे एम रखोगे और एम रेड होगा और आप ड्रैग करोगे बॉडी पे रख के, तो आपका हेड नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एम होता है वो जो है बॉडी पे लॉक हो जाता है। मतलब समझ लो बंदा एक ही जगह पे खड़ा है, तो उसके ऊपर अगर आप बॉडी पे ऐसे एम करके ऐसे ऊपर से ड्रैग करोगे तो हेड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी पे कहीं पर भी मतलब लॉक हो जाएगा ना एम, इसलिए हेड पे एम नहीं पड़ेगा। ओके, और हेडशॉट भी नहीं पड़ेगा और वन टैप भी नहीं पड़ेगा। और गाइस अगर एनिमी जो है वो राइट में भाग रहा है, तो आपको जो अपना एम है वो लेफ्ट, पहले वाइट करना है एम को, बाद में लेफ्ट से राइट में ड्रैग करना है। जिस साइड पे वो भाग रहा है ना उसी साइड पे ड्रैग करना है, बट एम वाइट होना चाहिए। ओके, तब जाके आपका हेडशॉट पड़ेगा, मतलब जिस भी पोजीशन में बंदा भाग रहा है उसी पोजीशन में ड्रैग करना है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ। सो गाइस स्टेप टू में आपको जो अपना फायर बटन जो है उसको जो है बड़ा कर देना है, 70 75 तक रखना है और एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर आपको जमता है। ओके गाइस, क्योंकि बड़ा फायर बटन रखोगे आप तभी आपके इजीली आप ड्रैग कर पाओगे। मतलब कभी कभार होता क्या, हम लोग वन शॉट मारने जाते तो जो फायर बटन है वो कभी कभार दबता ही नहीं, तो ये मेन चीज़ है कि आपको जो फायर बटन है बड़ा कर देना है। आप जैसे ही मतलब हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो पूरा ऊपर चल जाएगा, क्योंकि फायर बटन जो है बहुत बड़ा हो गया रहेगा। ओके गाइस, और उससे इजीली वन शॉट भी लग सकते हैं। और गाइस एकदम ओपी तरीके से, जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था कि किस तरह से मैं वन शॉट मार रहा था, आप भी उसी तरह से मार पाएंगे। अब बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। बट रुको रुको, मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो गाइस फटाफट चैनल को, एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो का लाइक है मैं 15 लाइक, तो आई होप कि आप लोग करवा दोगे। तो गाइस बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। तो गाइस स्टेप थ्री में करना ये कि आपको जो फायर बटन है उसको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, जैसे कि अभी मैंने दिखा दिया। नहीं समझ में आया फिर से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी ड्रैग करना है। देखो गाइस कैसे ड्रैग किया है, वैसे ही आपको भी ड्रैग करना है। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।